फ्लाइट के अंदर चाय है, आप देख सकते हैं इसका मुंह कैसा है। और ये अकेली चाय 150 रुपये की है, तो इसका मतलब क्या है कि आप इस तरीके से काम करो यार, इसके बारे में ना सोचने की ज़रूरत ना पड़े। अब वो एक कहावत है ना हमारी मार्केटिंग में, बताया जाता है कि यार आप ना जब मेन्यू कार्ड देखते हो ना, तो वो प्राइस टैग ना देखें आप, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको ये दे सकता है, आपको प्राइस टैग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं अगर बात करूँ तो मैं लगभग आसमान से बहुत, मतलब आसमान में इतने ऊपर है कि हमें भी पता नहीं है, नीचे ज़मीन हमें दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर यकीन ना करें तो आप देख सकते हैं ये मेरा बिल्कुल विंडो सीट है और मैं आसमान से ऊपर उड़ रहा हूँ, ज़मीन से तो बहुत ऊपर हूँ। तो यहाँ पर बैठ करके उस चाय का आनंद लेना आपके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य हो सकता है। मैं बस इसके लिए कहता हूँ कि यार जियो तो ऐसे जियो की दुनिया याद रखें, वरना बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं। अगर इन मेरी बातों से प्रेरणा ले सकते हो तो जान लगा दो यार, और ऐसी ज़िंदगी अपने परिवार को बताओ। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम ज़मीन से यानी कि अपनी धरती माता से बहुत हाइट पर हैं। जगह मैं नहीं बता सकता हूँ, या फिर मैं नहीं बता सकता हूँ कि कितनी ऊंचाई पर हम लोग अभी उड़ रहे हैं। यात्रा रमेश जी की जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल यात्रा, तो ये इंटरनेशनल यात्रा पर आप अभी क्या कर रहे हैं? ये राजस्थान के दोस्त हैं हमारे साथ, और पहचानना मुश्किल हो रहा है कि कौन क्या है आज इससे में। सेम से लग रहे हैं, बिल्कुल एकदम सेम से लग रहे हैं, जैसे एक ही पैकेज है। तो कुछ बड़ा करेंगे सर, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा ऊपर आके, ऊपर वाला भी सुन रहा है, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा नहीं, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। और ये वाकई एक करंट, एक इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों के अंदर आने वाला है। ये जो वॉइस है डायरेक्टली ऊपर वाले तक जा रही है, क्योंकि हम उनके पास में आ रहे हैं, पास बहुत पास में। सो गाइस, बहुत कुछ हो सकता है यार, बहुत कुछ पा सकते हैं आप। कुछ महीनों की मेहनत, कुछ महीनों की मेहनत आपको बहुत कुछ करा सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलो अभी थाईलैंड में पहुंच चुके हो, बैंकॉक में आकर कैसा महसूस हो रहा है? अरे सर जी पूछो मत, अब बड़ा आदि बन गया मैं। 3-4 घंटे की फ्लाइट आपने ली है अभी सर जी, फ्लाइट, और अभी मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि यार 3-4 घंटे कैसे गुजर गए। जिंदगी सेट बना दी सर, जिंदगी मैं यहीं रहूँगा सर, मेरे को अरुणों को जाके बहुत खाना, मैं यहीं रहने वाला हूँ। इधर सेट करवा दूँ? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं रहना मुझे। यहाँ ज़मीन भी अच्छी है, खेती भी अच्छी है। अभी आप देखो खिड़की में देख सकते हैं दोस्तों, बहुत कुछ है। अभी हम लोग लैंड कर रहे हैं और ये बैंकॉक धरती पर हम लोग अभी उतर चुके हैं, थाईलैंड की जगह पे उतर चुके हैं, और आप देख सकते हो रनवे पे आ चुकी है। बैंकॉक से पताया के लिए निकल चुके हैं और लगभग 2 घंटे का ये सफर है, और ये 2 घंटे का सफर अब ये डिलक्स बस में गुजरेगा। बहुत सारे साथी हैं जो थक चुके हैं, जो सोने की तैयारी में लगे हैं। नवीन जी तो हाथ दिला रहे हैं, लेकिन भुवनेश्वर किसी काम में लग चुके हैं, और भुवनेश्वर ने अपना मुंह ढक लिया शर्म के मारे कि मैं क्या करूं, सर में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, जोश खत्म हो गया सबके अंदर। अरे कोई तो बोलो। दोस्तों
तो ये केव है जिसके अंदर हमें ले जाया गया है। एक छोटी सी वैन है जिसमें हम बैठ करके जा रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि मेरे साथ अभी भुवनेश्वर जी भी हैं, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, अंधेरा है। सो दैट जो डायमंड आपको मिलते हैं ना, वो कैसे बनते हैं, उस तरीके का कुछ सिस्टम इसमें दिखाया गया है। गाइज, ये सभी लोग जितने भी लीडर्स हैं, ये टॉप लीडर्स हैं वेस्टीज के। और आज आप देख सकते हैं कि जहाँ पर डायमंड तैयार किए जाते हैं, यानी कि जो आप डायमंड देखते हैं उंगलियों में और अपने लवर्स को, अपने प्रियतम को देना चाहते हो, ये वही डायमंड से जो तैयार किए जाते हैं थाईलैंड के अंदर। यार मैं कहाँ आ गया, अभी मैं ही नहीं जानता हूँ कि मैं कहाँ पर आ गया हूँ। देखो सर, ये बिल्डिंग दिखाओ पहले तुम्हारे दोस्तों को। देखो ये पता नहीं सर कितनी बढ़िया है, आप नहीं देख पाओगे। ओ माय गॉड सर, मैं दोस्तों सर बिल्कुल फीलिंग्स में बताना चाहूंगा कि मजा आ रहा है सर, इतना मजा आ रहा है। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था ये दुनिया इतनी बड़ी भी है क्या। मैं तो सोच रहा था जयपुर बैठ के ये सब कुछ है। तो भाई दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, अभी भी मौका है, मौके को चौड़ो मत और मिल जाओ अभी भी मौका है। अपन सब मिलकर बड़ा करते हैं। कुछ बहुत शानदार सर, ऑसम। मैं तो कहता हूँ अपना साबुन तेल बदलो,
मजे आएंगे थाईलैंड में पत्ताया। सर साबुन और घर में बदल के ही इतना अच्छा लाइफ पी रहे तो कितना अच्छा रहेगा सोच के देखो हम लोग क्या किया। घर का राशन पता दो लोगों का ही राशन पता है और इस तरीके से सोच के देखो यार कितना सिंपल फॉर्मूला है। साबुन तेल बदलने से चीज हो सकती है भाई। मैं आपको बताऊं ना बेस्ट चीज का प्लेटफॉर्म ऐसा है आपको 4 महीने में कितने पैसे खर्च करने हैं 10-12 हजार बस सर 4 महीने में 10-12 हजार वैसे भी कर रहे हो वैसे भी करना था चलो 10-12 हजार खर्च करेंगे और कंपनी फ्री में लेके आ रही है कहाँ पर थाईलैंड जहाँ पर लगभग 50-60 हजार रुपये खर्च हो रहे हैं कंपनी के एक व्यक्ति के ऊपर और एक नहीं है 250 आदमी के 8 हजार आदमी है टोटल 250 तो हमारी टीम के हैं 8 हजार आदमी है यार सोचना तो बनता है। यहाँ की बसें देख सकते हैं आप कि किस तरीके की बसें हैं एंड मज़ा आ गया देखकर यार कि मेरे देश में ऐसी बसें कब आएंगी। कि हमारे मित्र भी हमारे साथ हैं मिस्टर भुवनेश्वर फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड मिस्टर आरिफ फ्रॉम रुड़की। यस अकेला नहीं भाई और भी बहुत साथ में हैं ठीक है।